जीवन को बाजी लगे भरा नदी पार हो पाठ पढ़ापी जाऊँच छात्र छात्री एमती एक दृश्य देखा मिली गंजाम जिला सरणा ब्लक एपटे ऋषिकल्या नदी अपर पार्श्वे ग्राम पचास ऊर्ध छात्र छात्री मैंने प्रतिदिन स्कूल कलेज जावाई लुगा और चादर पिंधि खरा जल पारिपर नदी आरपटे लुगा बदल स्कूल कलेज यूनिफर्म पिंधि जाती एपरिक नदी में अधिक पा आसे मस मस धरी पे स्कूल कलेज छुट्टी कर अच्छा कौन होची आपण ए नदी देकिरी पानी देकिरी जाउ तो स्कूल को कौन असुविधा रहिची कौन आमे नदी देकिरी गला बेले भासी जिबार भी संभावना रहि थाए भासी गले सरकार दाई हेबे इमिंद्रे मध्ये स्कूल जिबा बेले केते पिल्ला मध्ये भासी की जाई छथि किंतु सरकार किछ करू नहांति एबे शंख तयारी करबा को कहिछथि किंतु शंख भी तयारी करू नहांति शंख तयारी न हेबारु किछ पिल्ला भासी गले मध्ये सरकार ही दाई केते पिल्ला खने जाउथुए पाठ पढिया बे प्रतिदिन पिल्ला खने जाउ छथि 50 पिल्ला जाउ छथि अच्छा आउ कोन कोन असुविधा रहउछि से गां को नदी रू गला बेले लोक माने भी जिबार बहुत असुविधा होउछि अ चाउल पंचायत भी मध्ये नुआगढ़ अछि समस्त चाउल आनियो किंबा पैसा आनियो मध्ये नुआगढ़ जाउ छथि आ पाठ पढिया मध्ये नुआगढ़ गला बेले किछि पिलार असुविधा रहउछि ओ बोर्ड रे मार्क 10th क्लास पिला माने पाठ पढिया रे असुविधा रहउछि ओ मार्क मध्ये कम जाय थाउछि स्कूल जाइथिबो बरसा नदी रे पानी पळे आसीबो त केमिति आसुजोंदि सब पिला बस रे बुली रासंती ओ किछि लोक थांती जाईरी नेबाणिया करंती किछि लोक ओ के माने कार सुरमण रे किबा नुआगढ़ रे के थिले रह जांती आ किछि लोक सुरमण नदी पारी हे जाई के नेबाणिया करंती अच्छा ए पानी देकी जाउ छ भय त लागुथिबो हां भय त लागुछि हेले पाठ पढियो जाउ छ गंजाम जिला सरणा ब्लॉक सह जोडीबा ओ लोक को जरूरी सेवा जगाई देबा लक्ष्य रे सरकार नुआगढ़ विजु सेतु योजन सेतु निर्माण कार्य आरंभ कले 1,05,003 टंका अटकल निर्माण करेतुटी 4-10-2022 सुधा शेष कर लक्ष्य रखा केशरा बारधांगिड़ी नीलकंठपुर नागपुर रंगापाली ततापाली और कोटिनोडा आदि ग्रामर 10,000 ऊर्ध लोक सुविधापी निर्माण करतुटर काम मंत्र गति चली कौन समस्या रहुछि अपन नदी पारा देखि जाउछ हमर तो बहुत किछि समस्या होय जाय आज कि प्राय गोटे आमकु दहलानी आज कि 45 वर्ष आम तो आउर वृद्ध लोक न अछन्दि नदी पार हे जिबाकु बहुत असुविधा होय नदी रे बहुत प्रत्येक वर्ष माने 10 फुट 5 7 फुट नै पानी रहुछि प्राय 4 मास प्रत्येक वर्षा सीजन रे 4 मास सम्मुखीन हेबा पड़छि आ जिबा हिसाब आमकु बहुत आगुर असुविधा होतला नदी भितरे हि बुढ़ी बुढ़ी जिबाकु पड़थाय एबकु भगवान कृपा रे गोटे ब्रिज देते किंतु आज को 4-5 वर्ष है कम्प्लीट हो पारे लोक मैंने बहुत सख उपर निर्भर करते पाने जावा आसवाक बहुत असुविधा होती पिला पाठ पढ़ापी जावा आस प्राय 4 मास बुढ़ी बुढ़ी जाते आसते कौन समस्या रोचती कि प्रश्न आने आमको तो निर्भर करते सुरमणी नुआगढ़ आ पंचायत को जीवाक आ मेडिकल को बहुत असुविधा पड़ती है आमको निहाती आवश्यक होती मानने संकटा हो गले आमको जीवाक बहुत कते दिन है शख कम चली आज की प्राय हो गोटे 4 वर्ष चलती कम कि पढ़ा पढ़ी रही कम हो पानी सेमती खंडिया रही कौन कह सरकार दाबी कौन रखिए सरकार दाबी मानने आम को जब जल्दी शीघ्र हो गले आमको बहुत सुविधा हाँ पीला जावास सुविधा पाठ पढ़ापी आमको बहुत सुविधा हे ग्राम्य उन्नयन विभाग और ठिका संस्थार अवहेला फल सेतु निर्माण अवधि बीती जाते 10% काम एवं शेष होनी फल मार्केट स्वास्थ्य शिक्षापी नुआगढ़ और सरणा उपर निर्भर करुवा लोके ऋषिकुल्या नदी उछुला जलराशि विपद संकु अवस्था प्रतिदिन यात्रा कर एने भंजनगर उपजिलापाल ज्योतिषंक राय को अवगत कर सरकार तरफ विजु सेतु योजन सामिल कर टेंडर दि सारी किंतु कंट्राक्टर मनोमुखी जो सेतु कम अधपंतरिया पड़ रही कंट्राक्टर को बारंबार ताकिद कर हाइकोर्टर आश्रय ने खूब शीघ्र समस्या समाधान कर सेतु कार्य आरंभ होपजिलापाल वीडियो क्लीस देखी खूब अनफर्चुनेट इनसीडेंट अच्छी आज का डेट्रे ओडा सरकार जो प्राइज अच्छी
ହେଲ୍ଥ ସେବା ବା ରାସ୍ତାଘାଟ ପାନୀୟ ଜଳ ଏତେ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ପିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି ନେଇସାରିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ଅଛି ଉଚ୍ଚକୁଲିଆ ନଦୀ, ତାକୁ ଯେଉଁ ତାପରେ ବ୍ରିଜ୍ କରି ନୂଆଗାଁ ଆଉ କେଶରାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଟେଣ୍ଡର ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବିଲ୍ଡର୍ସ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ଆୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାର ଷ୍ଟିପୁଲେସନ୍ ଥିଲା ଯେ 2020 ଭିତରେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଏସି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଆଡ଼ିର ଯାହା କାଲି କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ କଲା, ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ କଲା ନାହିଁ। ତା'ର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା ଆଗେ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଏବଂ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶୋ କରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ପୁଣି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଯାଇଥିଲା, ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା'ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ସେହିଭଳି ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅନିଲ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।